नमस्कार दोस्तों, स्मार्टफोन खरीदते हुए हम कैमरा, रैम, कीमत वगैरह सब देखते हैं, मगर हम एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ देखना भूल जाते हैं। दरअसल दोस्तों, रेडिएशन का खतरा लगभग सभी स्मार्टफोन में पाया गया है, लेकिन जर्मन फेडरल ऑफिस ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन के जरिए रेडिएशन वाले सबसे ज़्यादा खतरनाक स्मार्टफोन की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में दोस्तों Xiaomi और OnePlus स्मार्टफोन सबसे आगे हैं। वहीं लिस्ट में वह स्मार्टफोन शामिल किए गए हैं जिनसे सबसे ज्यादा रेडिएशन निकलता है। कहीं दोस्तों आपका फोन में सबसे ज्यादा रेडिएशन तो नहीं निकलती है? जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, जल्दी से आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और साथ ही में दोस्तों इस बेल आइकन को दबा के इस ऑल पे आपको क्लिक कर देना है, और साथ में कमेंट में मुझे यहाँ पे आपको बताना है कि आप कौन सा फोन इस्तेमाल करते हैं, या दोस्तों आप कौन सा फोन इस्तेमाल करते हैं, ताकि आप जान पाए कि आपके फोन में कितना रेडिएशन निकल रहा है और आपके दिमाग को कहीं ज़्यादा खतरा तो नहीं है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ, इस लिस्ट में 16 स्मार्टफोन है। तो इसमें सबसे आगे हैं दोस्तों Xiaomi का Mi A1, और इस स्मार्टफोन में सबसे ज़्यादा रेडिएशन निकलता है। इस फोन का स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन रेट यानी SAR 1.75 वोट प्रति किलोग्राम था। वहीं दूसरे नंबर पर Xiaomi का ही फोन है जो कि है Mi Max 3, इसमें भी 1.58 प्रति किलोग्राम रेडिएशन निकलता है। तो तीसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पर OnePlus 60 है जिसकी SAR वैल्यू 1.55 वोट प्रति किलोग्राम है, जबकि चौथे नंबर पर मौजूदा HTC U12 लाइफ से हैं जिसके अंदर 1.78 वोट किलोग्राम रेडिएशन निकलता है। तो दोस्तों इस लिस्ट में पांचवे नंबर पर फिर से Xiaomi Mi Max 3 है जिसकी 1.45 वोट किलोग्राम रेडिएशन निकलता है, जबकि Sony XA2 प्लस इसके बाद आता है जिसमें 1.48 वोट किलोग्राम रेडिएशन पाया गया है। दोस्तों खतरनाक रेडिएशन वाले मोबाइल की लिस्ट में पांचवा नाम Google Pixel 3 XL और आठवें नंबर पर फिर से Xiaomi और आठवें नंबर पर Mi 9 मौजूद हैं। इन दोनों फ़ोन में 1.39 वोट किलोग्राम रेडिएशन निकलता है। लिस्ट में नौवें नंबर पर दोस्तों iPhone 7 का है जिसमें 1.38 वोट का रेडिएशन निकलता है, और दसवें नंबर पर दोस्तों Xperia XZ1 कॉम्पैक्ट आता है जिसमें 1.36 वोट का किलोग्राम रेडिएशन निकलता है। और इस खतरनाक 16 स्मार्टफोन इस लिस्ट में 6 Xiaomi के फ़ोन हैं, इसके अलावा iPhone 8, OnePlus, Google, Pixel 3, HTC और ZTE Enox 7 mini भी शामिल है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कहीं आपका फ़ोन इन फ़ोनों में से तो नहीं है। तो दोस्तों बहुत ही खतरनाक रेडिएशन निकलती है, और इन सब की लिस्ट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर इनको पढ़ सकते हैं कि किसमें कितनी कितनी रेडिएशन निकल रही है। तो दोस्तों स्मार्टफोन के रेडिएशन से बचने और लंबे समय बाद अपने स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावों से बचने के लिए अब मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, आप उनको फॉलो करके आप अपने फ़ोन से रेडिएशन निकलती हैं उससे आप बच सकते हैं। तो दोस्तों अपने स्मार्टफोन को हमेशा आप अपने शरीर से कॉन्टेक्ट में ना रखें, हो सके तो उससे दूरी बनाए रखें, और कॉलिंग की जगह दोस्तों टेक्स्टिंग के बात करने की कोशिश करें, और कॉलिंग के समय दोस्तों आपको स्पीकर मोड पर यानी कि लाउड हैंडसेट को लाउड स्पीकर पर करके आप बात कर सकते हैं। और ज़्यादा दोस्तों जब भी आप कॉल करें तो आप हमेशा छोटी बात ही करें, ज़्यादा उस फ़ोन पर बातें ना करें, और अपना जो स्मार्टफोन को यूज करें उसे कम सीमित पर ही यूज करें। जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे जाहिर तौर पर आपको उसका रेडिएशन का असर आपके ऊपर ज़्यादा ही पड़ेगा। और दोस्तों जहाँ पर आपके फ़ोन के अंदर से सिग्नल कम आ रहा है तो उस समय दोस्तों जो फ़ोन है वो रेडिएशन ज़्यादा निकालता है, तो उस समय लो अगर सिग्नल आता है तो उस समय आप उसका यूज फ़ोन का इस्तेमाल करने से बचें। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स जिन्हें अपना कर आप अपने फ़ोन से निकलने वाले रेडिएशन से बच सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी और ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।